लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी और जितने संगठन हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अब हॉल में औरतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही। पहले मैं जमात इस्लामी की मीटिंगों में जाता था तो औरतें पर्दे के पीछे रहती थी, मैं लगातार कहता था। तो फिर गंगा प्रसाद सभागार में देखा कि आखिरी लाइन में औरतें बैठी हुई हैं, वो पर्दे से बाहर आईं और आज चार पांच लाइनें बैठी हैं। मैं सिर्फ इस बात ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि याद रखिए कि जब CA NRC के खिलाफ आंदोलन हुआ और जब योगी सरकार ने 22-23 मुस्लिम लड़कों को गोली से मार डाला और सारे जो लड़ने वाले मुसलमान थे जैसे एडवोकेट शोएब और दूसरे लोग वो सब जेलों में पहुंच गए, तो यही औरतें थीं जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी सड़कों पे निकल के। और इन औरतों ने एक और बड़ा काम किया जो हमारे जैसे गांधीवादी नहीं कर पाए और जो यहाँ अंबेडकरवादी लोग थे कि गांधी और अंबेडकर की तस्वीर साथ में लगा दी सब जगह। जितने धरने चल रहे थे सब जगह गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें साथ में लग गई थी, जो काम गांधीवादी और अंबेडकरवादी नहीं कर पाए कभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार मैं चाहूँगा कि कुछ मंच पे भी रहें, मतलब कुछ बोलने वाले भी रहें, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। देखिए ये जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो बम्बई की ट्रेन में हुआ, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, ये सब जो हो रहा है देश में ये पागलपन है, ये तो हम सब समझते हैं। लेकिन इसका जवाब यहाँ बार बार लोग कह रहे हैं कि हमको अपना काम करना है। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, गांधी जी की तो जान ही चली गई उसमें। और गांधी के पहले जब गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर में मारा गया था हिंदू मुस्लिम दंगा रोकते हुए, तब गांधी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भी जान इसी तरह से जाए, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए। तो ये जो काम है गांधी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ गांधी ने नहीं किया, ये तो इस देश की जो आम हिंदू मुसलमान है मैं देखता हूँ उनको ये मालूम है कि हमें मिल के रहना है। कोरोना के समय में हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से 12 रसोइयाँ चल रही थी शहर के अंदर, एक शहर के बाहर गांव में चल रही थी गोसाईगंज में, और कई जगह आपको मालूम है लखनऊ में मिश्रित आबादियां हैं हिंदू मुस्लिम। जो माहौल ख़राब किया गया है उसमें मुझे ये डर था कि कहीं कोई हिंदू ये ना कहे कि नहीं हम मुसलमानों के साथ नहीं बनाएंगे, या कोई मुसलमान ये ना कहे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं बनाएंगे। लेकिन एक भी शिकायत मैं आपको बता दूँ, कोरोना के समय में एक भी शिकायत इस तरह की नहीं आई कि कोई हिंदू या मुसलमान ये कहे कि हमें साथ में मिलके रसोई नहीं चलानी है या साथ में मिलके खाना नहीं है। बल्कि हुआ क्या कि हमारी पार्टी की संगठन मंत्री हैं जीनत, दुबग्गा में रहती हैं, बोली खाना तो मैं बना दूंगी लेकिन ये जो पत्थर का काम करने वाले लोग हैं जो अनुसूचित जाति के हैं ये हमारे बर्तन में हाथ ना लगाएं। मतलब जो जाति के नाम पर बंटवारा है वो ज़्यादा गहरा है। और गोसाईगंज में जहाँ अनुसूचित जाति के लोग खाना बना रहे थे पत्थर का काम करने वाले, वहाँ गांव में दो चार मुस्लिम परिवार भी थे, अब वो साथ में आने को तैयार नहीं थे बैठ के खाने के लिए। तो इस महिला ने इतनी समझदारी दिखाई, गुड्डी ने, उसने कहा ठीक है आप मत आइए, हम आपका कच्चा सामान आपके घर भेज देते हैं और आप अपने घर पर बना लीजिए। तो इतने कठिन परिस्थिति में भी लोग मिलजुल के रह रहे थे। जाति के सवाल को छोड़ के कोई भी बंटवारे का सवाल मैंने कोरोना के समय में नहीं देखा। और हमारी हम लोगों की एक कोशिश है वो आपको ज़रूर बता दूं, अयोध्या में एक मंदिर है राम जानकी मंदिर, हमारे महंत जी हैं वहाँ आचार्य जुगल किशोर शास्त्री, और हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है उसका नाम है सर्वधर्म सद्भाव ट्रस्ट। उसमें महंत जी एक सदस्य हैं, मैं दूसरा सदस्य हूँ, तीसरे सदस्य हमारे फैसल खान साहब हैं जो दिल्ली में खुदाई खिदमतगार जो संगठन है उसको इन्होंने जिंदा किया है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान चलाते थे पाकिस्तान में जो हिस्सा पड़ता था पठानों का वहाँ पे।
एक बिहार के दलित स्कॉलर हैं हरि नारायण ठाकुर, और एक ट्रांसजेंडर है बिहार की जिसका नाम है रेशमा। यानी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, और हमारा सपना है कि अयोध्या में एक ऐसी इमारत खड़ी हो जिसमें एक एक मंजिल एक एक धर्म के लिए हो। और इतिहास में जिस क्रम में जो धर्म आए हैं, सबसे पुराना धर्म सबसे जो नीचे वाला रहेगा वो तो हमारे जैसे नास्तिक लोगों के लिए रहेगा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और पहली मंजिल, फिर उसके बाद जो सबसे पहले जो धर्म आया, उसके बाद जो धर्म आया, उसके बाद जो धर्म आया, इस तरह से कई मंजिल इमारत रहेगी और ऊपर गुंजाइश रहेगी आने वाले धर्मों के लिए। तो ये सर्वधर्म सद्भाव एक केंद्र बनना है अयोध्या में, और जहाँ राम मंदिर बन रहा है उससे आप थोड़ी ही दूरी पे, वहाँ से दिखाई पड़ता है। अब ये योगी सरकार जो है, जब भी मैं अयोध्या जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पीछे पुलिस लगा देती है, और कभी रौनाही में कभी कहीं पे भारी पुलिस बल रोक के मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठा के वापस पहुँचा देते हैं लखनऊ। इनको इतना खतरा है। मेरी योगी से 2 बार मुलाकात हुई है, और मैंने ये चिट्ठी उनको दी है। मैंने कहा कि ठीक है, आप बनाइए अपना राम मंदिर, लेकिन हम लोग भी एक सर्वधर्म सद्भाव केंद्र बनाएंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में इंसान की जो जाति है धरती पे, एक ही जाति है, वो भले ही कोई धर्म और कोई जाति मानती हो, लेकिन उन सबको मिलजुल के रहना है। ये भविष्य का मॉडल है। एक ही बिल्डिंग में, एक ही भवन में सारे धर्मों को मानने वाले लोग आएंगे और अपनी अपनी तरीके से पूजा करेंगे, लेकिन जब तक ये योगी सरकार हमको अयोध्या में कुछ नहीं करने देगी, तब तक हमने बाराबंकी के असेनी गांव में हमारे साथी अमित मौर्य ने एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है 5 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करके, और उस मंदिर के बाहर लिख दिया गया है कि इस मंदिर में कोई भी धर्म मानने वाला उसका स्वागत है और वो अपनी तरीके से पूजा कर सकता है। भाई जिसको उसमें ना जाना हो, गर्भगृह में जहाँ मूर्ति रखी है, आप दूसरी जगह जाके अपनी तरीके से अपनी पूजा कर लीजिए। और उस वहाँ पे एक विद्यालय चलता है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे आते हैं, और एक पुस्तकालय चलता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलता है। और आपको बता दें कि इस मंदिर की तरफ से एक रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था रमज़ान के समय में, जिसमें अब्दुल मुईद साहब जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो भी गए थे। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हमारी पार्टी की एक हिंदू मुस्लिम एकता समिति है, एक मीटिंग यहाँ जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में हो चुकी है, अहमदाबाद में हो चुकी है, बेंगलोर में हो चुकी है, और अब भोपाल में 5 सितंबर को होने जा रही है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, जिसके बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, तो हमें लगता है कि जो हमारे समाज में की जो अच्छाई है उसको हमें बाहर निकाल के लाना है। हमें ये याद करना है कि इस देश की आज़ादी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने मिल के लड़ी है, और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आपको बता दें गुजरात में भी एक हिंदू मुस्लिम दो नौजवान वसंत और रजब, अहमदाबाद में, गुजरात जैसे राज्य में भी जहाँ हिंदू मुस्लिम का इतना बंटवारा हो चुका है कि पिछले साल जब मैं बिल्किस बानो के गांव से एक पदयात्रा निकालने गया अहमदाबाद की, एक दिन गिरफ्तारी हुई गोधरा में, दूसरे दिन गिरफ्तारी हुई खेड़ा में, मैंने कहा अगर यात्रा नहीं निकालने दोगे तो अनशन करूंगा अहमदाबाद में, वो भी नहीं करने दिया। जब पुलिस के यहाँ एप्लीकेशन दी तो पुलिस वाला कहता है कि ये बिल्किस बानो तो मुसलमान है और संदीप पांडे हिंदू है। तो उसने पूछा तुम ये मुसलमान औरत के लिए क्यों परेशान हो? तो मैंने सोचा कि ये बताइए गुजरात का क्या हाल कर दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई पुलिस वाला इस तरह से बोलेगा। मतलब ये जो घटना हुई है मुजफ्फरनगर में वो तो एक पागल औरत है, लेकिन कम से कम अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ। कल मेरे पास एक सज्जन आए थे जुबैर साहब बख्शी के तालाब से, उनकी मूक बघिर लड़की ने गलती से 15 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस की झांकी की तस्वीर लगा दी। अब बेचारे का कोटा चला गया और गांव में रह नहीं पा रहे हैं, अकेला मुस्लिम परिवार है, लेकिन पुलिस पूरा साथ दे रही है। पुलिस कह रही है नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया उनके खिलाफ, सिर्फ 151 में चालान किया, उसकी उनको जमानत मिल गई है, और मैं उनको लेके जा रहा हूँ कमिश्नर पुलिस से मिलने कल या परसों। तो अभी भी उत्तर प्रदेश में कम से कम जो समझदार लोग हैं उन्हें मालूम है कि इस पागलपन से हमको बचना है। तो हम और आप मिलके ये काम करें
और जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो एक परंपरा इस देश में रही है, आप याद कीजिए जब आज़ादी की लड़ाई में जब सैनिकों ने विद्रोह किया था, जो ज़्यादातर जो जिनकी संख्या लाखों में थी, जो ज़्यादातर हिंदू थे, जो ज़्यादातर सवर्ण थे, ऊंची जातियों के थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी और बरेली में भी एक मुसलमान शासक लड़ रहा था, तो हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिल के इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और हम ही इस देश को बचाएंगे उन लोगों से जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शिरकत नहीं की है, जो जेल गए तो माफ़ी मांग के बाहर आ गए। सावरकर पेंशन लेते थे अंग्रेज़ों से, आपने कभी सुना है कि गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने कभी कोई अंग्रेज़ों से पेंशन ली हो? तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उसकी जगह हमको ऐसा निज़ाम कायम करना है जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जिसको मानते थे, जो हमारे संविधान में है, जो बात बार बार यहाँ पे कही जा रही है। और इसके लिए एक ही काम करना है, सबको मालूम है मुसलमान तो हमेशा ऐसे उम्मीदवार को वोट देता है जो भाजपा को हरा सके, लेकिन अब तो बीजेपी को छोड़ के सारा देश सोचने लगा है कि बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा हो जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सके। अगले साल चुनाव है, आपको मालूम है क्या करना है, बाकी देश को तय करना है। हमें उम्मीद है कि ये सरकार चली जाएगी और फिर कर्नाटक में जैसे कल जब मोदी गए तो भाजपा का आम कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता बैरिकेड के पीछे खड़े थे भाजपा के। तो जैसे ही सत्ता बदलेगी हमें उम्मीद है कि ये देश फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।